तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज, जनरेशन कार से। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट है न्यू जीप कंपास, जो कि है चंडीगढ़ नंबर से। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर हम क्या इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके अंदर हम इंस्टॉल करने वाले स्टेडियम GTO 930, जिसकी टोटल RMS है 110 वाट और मैक्स पावर है इसकी 130 वाट। तो अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर ओवल स्पीकर हम क्यों लगा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। जो इसकी फिटमेंट है वो ओवल स्पीकर्स की ही फिटमेंट है इस गाड़ी के अंदर, ऐसे ही फ्रंट और ऐसे ही रियर के अंदर। तो अभी इनको उतारने के बाद हमने अपने GTO ब्रांड के स्टेडियम कंपोनेंट ओवल लगाते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या रिस्पांस आता है और क्या आउटपुट आती है। तो इस गाड़ी के अंदर से जो फैक्ट्री सेट्स का स्पीकर जो निकला है वो निकला है 4 ohm 15 watt ओनली। हमारा जो स्टेडियम सीरीज का जो स्पीकर्स है, ये आप देख सकते हैं कितना हैवी है इसके मुकाबले, तो ऑब्वियसली आउटपुट भी बढ़िया ही होगी। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है और क्या आउटपुट निकलती है इस गाड़ी में। तो गाड़ी के स्पीकर्स तो हमारे ऑलमोस्ट चारों डोर्स में लग भी चुके हैं और फिटमेंट गत्तों की तो हो चुकी है, और अब बचा है हमारा लास्ट डोर, जिसके अंदर OEM जगह के अंदर ही आपके स्पीकर्स लग गए हैं। और डैम्पिंग की इस गाड़ी में जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक का इन्होंने बोल्ट बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने दे रखी है, जिससे स्पीकर्स के अंदर बेस और इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब सुनते हैं इसकी आउटपुट कैसी आ रही है। इसमें कस्टमर को प्रॉब्लम क्या आती थी, स्पीकर चेंज करने का रीजन क्या था उनका? स्पीकर चेंज करने का उनका रीजन ये था, आप जानते हैं फैक्ट्री सेट जो स्पीकर्स आते हैं उनके अंदर थोड़ा सा हाई वॉल्यूम पे थोड़ा डिस्टॉर्शन वगैरह और आवाज फटने लग जाती है, थोड़ा सा इश्यू रहता है। तो मैंने उनको यही गाइड करा था, करंट है ये बहुत अच्छे, और इसके आप विद एम्पलीफायर और विदाउट एम्पलीफायर आप दोनों चीजों में यूज कर सकते हैं, जिसका मिड और बेस बहुत अच्छा है और क्रिस्प क्लैरिटी आती है इसके अंदर। मतलब अगर फैक्ट्री सेट स्टीरियो के साथ विदाउट एम्पलीफायर भी लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी साउंड आएगी इसके अंदर।